हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल खुशी एजुकेशन। आज की इस क्लास में बॉटनी थर्ड में हम समझने वाले हैं पुष्प सूत्र यानी कि फ्लोरल फॉर्मूला। इससे पहले सेकंड पार्ट में बॉटनी के मैंने आपको हिबिस्कस फ्लावर के कॉमन स्ट्रक्चर के बारे में अच्छे से समझाया था, प्रैक्टिकली आपको समझाया था हिबिस्कस का फ्लावर लेकर। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट में हमारी न्यू सेशन बायोलॉजी क्लासेस चल रही हैं, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा पुष्प सूत्र यानी कि आप हम समझेंगे फ्लोरल फॉर्मूला। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले इसकी सिंपल सी डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर उसको हम अच्छे से समझेंगे। तो पुष्प सूत्र एक प्रणाली है जिसका उपयोग विशिष्ट संख्याओं, अक्षरों और प्रतीकों का उपयोग करके फूल की संरचना को दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी कि अलग अलग फूलों की अलग अलग संरचना होती है, बाह्य संरचना अलग अलग होती है। उन्हें समझने के लिए अक्षरों, प्रतीकों और हम इन विशिष्ट संख्याओं के आधार पर इन्हें समझ सकते हैं। तो समझेंगे, चलिए ये कुछ पुष्प के विभिन्न लक्षणों के लिए प्रयुक्त चिन्ह निम्न है। यानी कि अगर हम किसी पुष्प का फ्लोरल फॉर्मूला पुष्प के सूत्र निकालते हैं तो उसके लिए कुछ विशेष चिन्हों को हमें समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम तो देखिए सबसे पहले सहपत्री यानी कि ब्रैक्टेट, ब्रैक्टेट को BR से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं हिबिस्कस और लिली। हिबिस्कस लिली जो है इसमें ब्रैक्टेट पाया जाता है। अब ब्रैक्टेट क्या है? ब्रैक्टेट एक ऐसा होता है जिसमें हम फ्लावर को ट्विस्ट करते हैं, तोड़ते हैं, तो उसमें अलग से ही स्पेस पाया जाता है, आसानी से तोड़ सकते हैं। लिली का फ्लावर आपने देखा ही होगा, बहुत आराम से आपको तोड़ सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं। इसी तरह हिबिस्कस फ्लावर होता है, काफ़ी सारे फ्लावर जो होते हैं ब्रैक्टेट जिसमें ब्रैक्ट पाया जाता है। अब वहीं अगर हम असहपत्री की बात करें तो इसका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि ब्रैक्टेट पर नहीं पाया जाएगा, थोड़ा सा फोर्स लगाना पड़ेगा फ्लावर को तोड़ने में। और जो इसकी फ्लावर हैं EBR के यानी कि टॉपर फ्लावर पाए जाते हैं, ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं, जैसे कि देखिए डायग्राम में शो हो रहा है। यहाँ पर ये ब्रैसिका फ्लावर है यानी कि सरसों के पेड़, तो जो इसके फ्लावर्स होते हैं वो टॉप पर ऊपरी सतह पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये मेन डिफरेंस हो गया। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो देखते हैं एक्टोमॉर्फिक यानी कि त्रिज्या समिति और एक व्यास समिति यानी कि जायमॉर्फिक, जिसको हम एक्टोमॉर्फिक त्रिज्या समिति को हम इस तरह सर्कल में प्लस प्लस साइन लगाकर रिप्रेजेंट करते हैं, और एक व्यास समिति को हम परसेंटेज या फिर इस तरह से शो कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर डायग्राम में देखते हैं ये फ्लावर्स है इस तरह से। जो हमारे एक्टोमॉर्फिक है उसको हम समान भागों में विभाजित कर सकते हैं, लेकिन जो हमारी जायगोमॉर्फिक है उसको हम एक रूप से ही विभाजित कर सकते हैं, जिसकी जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा समान रूप से नहीं पाया जाता, उसको इसीलिए जायगोमॉर्फिक कहते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं नर यानी कि उमंगी, जिसे हम नर और मादा अंगली कहते हैं। यानी कि प्लांट में हमारे दो तरह के अंग पाए जाते हैं, नर मादा दोनों ही। जो उसके स्ट्रक्चर होते हैं, अगर हम बाह्य बात करें, जिसको नर को पवंगी कहते हैं और मादा को जायांगी कहते हैं। स्टिमिनेट और पिस्टेट, स्टिमिनेट यानी कि नर भाग को हम इस तरह से साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से एक सर्कल बना के ऊपर एरो लगा के इस तरह से हम स्टिमिनेट साइन को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं हम जायांगी यानी कि पिस्टिलेट को इस तरह से सर्कल और यहाँ पर प्लस के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं। आगे फ्लोरल फॉर्मूले में आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये अच्छे से आपको समझ में आ गया, अगर एक ही पुष्प में दोनों रूप पाए जाते हैं यानी कि स्मेट भी और पिसिलेट भी, तो उसको किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे? तो उसको इस तरह बाइसेक्सुअल फ्लोवर, उभयलिंगी, उभयलिंगी या द्विलिंगी। द्विलिंगी वह संरचना होती है जिसमें नर और मादा जनन अंग एक ही पुष्प में पाए जाते हैं, तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अधिकतर फ्लावर जो होते हैं हमारे बाइसेक्सुअल होते हैं, तो उसको हम इस तरह इस वाले साइन से रिप्रेजेंट करेंगे। अब देखते हैं बाह्य दलपुंज यानी कि कैलिक्स, जिसको हम कैलिक्स जैसे नाम से ही कैलिक्स कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। दलपुंज कोरोला, उसको सी से। उमंग एंडोशियम ए से। जायांग गाइनोशियम जी से, कैपिटल से ही इनको रिप्रेजेंट करेंगे। इनके बारे में मैंने आपको फ्लावर स्ट्रक्चर में अच्छे से समझा दिया था, तो आप उस क्लास को भी देख सकते हैं। आई होप आपको ये सभी साइंस जो है वो क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखिए कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने फ्लोरल डायग्राम्स यहाँ पर ड्रॉ किए हैं, जिसके थ्रू आपको फ्लोरल फॉर्मूला लिखने में ईजी होगा, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले सरसों का देखते हैं, बेसिकस कंपेस्ट्रीज का देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सरसों का इससे पहले ही थोड़ा सा भी डायग्राम दिखाया था, किस तरह से जो हमारा सरसों होता है वो ई ब्रैकेट होता है, यानी कि उसके लिए हम क्या साइन लगाएंगे? EBR। तो ये हमने देख लिया कि ये ई ब्रैकेट है या ब्रैकेट। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्टोमॉर्फिक या जाइनोमॉर्फिक है। तो हमारा जो है ये एक्टोमॉर्फिक है, यहाँ पर साइन में आपको दिख रहा है जिस तरह। तो लिखते हैं एक्टोमॉर्फिक का हम साइन लगाएंगे इस तरह से, सर्कल में प्लस करके लगा देंगे, यानी कि इसको आसानी से हम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यानी कि नर जनन अंग है या मादा जनन अंग, दोनों ही इसमें पाए जा रहे हैं, इनकी बाइसेक्सुअल होगा। तो जो इसमें देखिए आप यहाँ पर आपको एंडोशियम पाए जा रहे हैं, अभी एंडोशियम दिख रहे हैं और गाइनोशियम भी दिख रहे हैं, तो दोनों पाए जा रहे हैं यानी कि बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के लिए हम ये वाला साइन मैंने आपको बताया था, इस तरह का साइन आपको बताया था मैंने, सर्कल बना के नीचे आपको प्लस और ऊपर एरो की साइड बनाना होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कैरोला यानी कि कैलिक्स, कैलिक्स की बात करेंगे सबसे पहले, कैरोला उसके बाद आएगा। कैलिक्स देखते हैं, यहाँ पर काउंट करेंगे, ये सबसे बाहर कैलिक्स पाए जाते हैं, इसके बाहर की ओर एपिकैलिक्स होते हैं, लेकिन हमारे फ्लावर में एपिकैलिक्स नहीं है। तो यहाँ पर हमें कैलिक्स को काउंट करना होगा, 1 2 3 4, यानी कि 4 कैलिक्स पाए जा रहे हैं। कैलिक्स को हम किस से रिप्रेजेंट करते हैं? अब देखिए यहाँ पर मैंने कैलिक्स के लिए के
यहाँ पर नोट कर लिया है, आपको समझना होगा जो हमारी कैलिक्स है वो किस रूप में पाए जा रहे हैं। यानी फोर हम ऐसे ही नहीं लिखेंगे, जो हमारी दो कैलिक्स है वो बाहर की ओर पाए जा रहे हैं और जो दो कैलिक्स है वो अंदर की ओर, आप यहाँ पर देख भी सकते हैं अंदर की ओर पाए जा रहे हैं। तो इनके लिए हम इस तरह से लिखेंगे 2 + 2, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। यानी कि डायरेक्टली आपको 4 नहीं लिखना है, अगर आपको ये जो कैलिक्स की जो नंबर है वो अगर आपको सीधे समान रूप से दिख रहे हैं तो आप यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको इस तरह से अप डाउन में दिख रहे हैं अंदर बाहर तो आप इस तरह से ही लिखेंगे 2 + 2 करके। तो अब यहाँ पर देखते हैं सेकंड पार्ट, आते हैं कोरोला पे। यहाँ पे कोरोला कितने हैं, यहाँ पर 4 है, 1, 2, 3, 4, जैसा कि आपको दिख रहा है। कोरोला के लिए हम सी लिखेंगे, कोरोला आपको यहाँ पर 4 दिख रहे हैं तो यहाँ पर हम आसानी से 4 लगा देंगे। देखिए समान रूप से हैं और ये आपस में जुड़े हुए भी नहीं हैं, इसलिए हम इसको ये संयुक्त दली नहीं है। यानी कि संयुक्त दली जिसमें ये आपस में जुड़े होते हैं उसके लिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे। ये पृथक है, आपस में जुड़े नहीं है, इसलिए हम इसमें कोई भी ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो हम नेक्स्ट देखते हैं एंडोशियम और काइनोशियम। सबसे पहले एंडोशियम आपको दिख रहे हैं, यहाँ पर काउंट करते हैं कितने एंडोशियम दिख रहे हैं। यहाँ पर आपको देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ पर 6 एंडोशियम दिख रहे हैं, लेकिन जो हमारे 1, 2, 3, 4 है वो इस तरह से गाइनोशियम के पास है, लेकिन जो 2 है वो दूर है इससे। देखिए इस तरह से हम इसको लिखेंगे 2 + 4 जो है वो हमारा करेक्ट होगा। अब देखिए नेक्स्ट गाइनोशियम, गाइनोशियम यहाँ पर कितने हैं, 1 और 2, यहाँ पर हम आसानी से 2 लगा देंगे, लेकिन 2 जो है वो संयुक्त है, आपस में जुड़े हुए हैं। तो आई होप आपको ये फ्लोरल फॉर्मूला अच्छे समझ में आ गया होगा, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी या फिर आपको कुछ भी अच्छे से नई नॉलेज मिली आपको, तो आप इस क्लास को अपनी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको डेली बायोलॉजी क्लासेस मिलती रहेगी इसी चैनल पर। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।